हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड तो यस आज की वीडियो में फॉस्थोलिपिट्स पढ़ना है हमने टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो छोटी रहें और आपको भी अच्छा लगे पढ़ने में पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें फर्स्ट पॉइंट फॉस्फोलिपिड्स आर सिमिलर टू न्यूट्रल फ्लैट्स जैसे कि आपको बताया पिछली वीडियो में हमने ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में पढ़ा था जिसको हम न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स आर सिमिलर टू न्यूट्रल फैट्स तो फॉस्फोलिपिड्स जो रहते हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर से होते हैं न्यूट्रल फैट्स के साथ एक्सेप्ट दैट इन प्लेस ऑफ वन फैटी एसिड बट उनमें जो एक एक्सेप्शन है वो कौन सी एक्सेप्शन है कि एक जो फैटी एसिड होता है प्लेस होता है उसमें दे हैव अ फर्स्ट एड ग्रुप विच इन टर्म इज़ लिंक टू अदर फंक्शनल ग्रुप उनमें क्या होता है एक फॉस्टेट ग्रुप होता है जो कि लिंक होता है दूसरे एक फंक्शनल ग्रुप के साथ और अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी फंक्शनल ग्रुप पर कौन सा फॉस्फेट ग्रुप बिकॉज ये आपने प्लस वन एंड प्लस टू में पढ़ा हुआ है और मैं इसीलिए ये वाला जो टॉपिक्स है वह डिटेल में नहीं करा रही बिकॉज इसके आने के चांसेस बहुत 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 कम है एग्ज़ाम में और इस पर मैं चाहती हूँ आप वक्त जाया ना करें एक बार रीड करें और इसके स्किप करें ठीक है तो एक बार रीड करें स्किप करें बिकॉज ये नहीं आएगा आई एम डेफिनेटली श्योर बट एक बार पढ़ना हमारा फ़र्ज है और आपका भी पढ़ना फ़र्ज है क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं जल्दी से कवर करते हैं ठीक है तो इसमें क्या रहता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच रहता है सो द फॉसफेड आर मॉडिफाइड ट्राइगल तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं ट्राइगलराइड से ठीक है एज दे आर डाइड्स वो ट्राई नहीं होते बट डाइगलराइड्स होते हैं क्योंकि उनमें जैसे मैंने पहले बताया एक जो फैटी एसिड के कारण विद द फॉस्फर्स कंटेनिंग ग्रुप एंड टू ठीक है रादर देन थ्री उसमें जो फॉस्फर्स एक फॉस्फर ग्रुप होता है उसमें दो जो ग्रुप रहते हैं फैटी एसिड चेन के ठीक है उसमें थ्री रहते थे इसीलिए इसे ट्राइग्लिसराइड्स बोला जाता था पर इसमें दो ही रहते हैं ठीक है फैटी एसिड जो चेंज रहती हैं द फॉस्फर्स कंटेनिंग ग्रुप गिव फॉस्फर लिपिड देयर डिस्टेंटिव केमिकल प्रॉपर्टी जो फॉस्फर होता है ना इसमें वो क्या इसको अलग बना देता है ट्राइग्लिसराइड से कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको अलग बनाती हैं चलो पढ़ते हैं ऑल्थो द हाइड्रोकार्बन पोशन द टेल जो हाइड्रोकार्बन पोशन रहता है जिसको हम टेल बोलते हैं द मोलिकुल इज नॉन पोलर वो नॉन पोलर होता है एंड एंट्रैक्ट ओनली विद द नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ ही अट्रैक्ट होता है कभी भी पोलर नॉन पोलर से नहीं अट्रैक्ट होते द फॉर्स फोर्स कंटेनिंग पार्ट जिसमें फॉल्स फोर्स पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं हेड वो पोलर होता है एंड अट्रैक्ट अदर पोलर और चार्ज पार्टिकल वो दूसरे पोलर और चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है जैसे वाटर हो गया और आयन्स हो गए ठीक है दैन मोलिक्यूल दैट हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन आर एम्फीपैथिक तो एम्फीपैथिक कौन से होते हैं जिसके पास पोलर और नॉन पोलर रीजन होते हैं जैसे इसका टेल था जो वो था नॉन पोलर बट इसका हेड था पोलर तो ये भी क्या हुआ एम्फी amphipath... एम्फीपैथिक हुआ सो फॉस्फोलिपिड्स आर ड्यूल नेचर उनके भी ड्यूल नेचर होते हैं ड्यूल होता है दो नेचर जैसे दो कोई प्रॉपर्टी शू करनी द टू फैटी एसिड टेल ऑफ द मॉलिक्यूल आर हाइड्रोफोबिक तो जैसे नॉन पोलर है ठीक है यहाँ पर नॉन पोलर है बट वाटर जैसे कि पोलर है नॉन पोलर और वाटर हो गया पोलर ये इंट्रैक्ट नहीं करेंगे ठीक है ये हेट करेंगे इसीलिए ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है बट फॉसफोट हैड इज बट जो फॉसफोट होता है फॉसफेट होता है सॉरी वो क्या होता है वाटर लविंग वाटर लविंग क्यों होता है क्योंकि वो हमने पहले ही पढ़ा है पोलर है और वाटर भी पोलर है तो अट्रैक्ट तो होंगे एक दूसरे की तरफ इसीलिए वो हाइड्रोफिलिक होता है जो कि वाटर लविंग होता है दस फॉसफो आर सेट टू बी एम्फोपैथिक तो उन्हें एम्फिपैथिक इसी बोला जाता है सेल यूज द यूनिक करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉस्फोलिपिड इन बिल्डिंग मेम्ब्रेन तो जो सेल रहता है जैसे मैंने थर्ड चैप्टर में आई थिंक मैंने दो अपलोड किए थे उसके दो से तीन वीडियोस उसमें मैंने बताया था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है सेल की मेम्ब्रेन वो इसी से ही बनती है ये यूनिक रैक्टिस्टिक है तो इसके फंक्शन क्या हुए फॉस्फोलिपिड्स आर चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन भी उसे बोलते हैं तो वो क्या होती है एक चीफ कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड जो रहती है वहाँ पर ठीक है तो और यहाँ पर मैंने साइकोल लिख रखा है जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपको मेरे दो सब्जेक्ट और पढ़ने हैं तो जल्दी से वर्ल्ड सर्च करें और वहाँ पर मेरी चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आपको और भी आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं बुक से ठीक है तो उसके बाद हमारे लिपिड्स पढ़ रहे थे और लिपिड्स हमने पढ़ लिए फैटी एसिड और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स उसके बाद फॉस्फोलिपिड तो अब हम आ गए हैं स्टीरोइड्स के ऊपर स्टीरॉयड्स क्या होते हैं जल्दी से पढ़ते हैं स्ट्रॉयड इज अ लिपिड हैविंग फोर रिंग ऑफ कार्बन एटम स्ट्रॉयड के पास ये लिपिड होता है इसके पास चार रिंग होती है कार्बन एटम की लाइक ट्राइग्लिसराइड्स स्ट्रॉयड आर फैट सोलबल एंड कंटेन लिटिल ऑक्सीजन ट्राइग्लिसराइड्स के जैसे ही स्ट्रॉयड्स जो होते हैं उनके पास फैट सॉलेबल जो है प्रॉपर्टी होती है एंड इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन भी होती है द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन आर स्टीरॉयड केमिस्ट्रीज़ इज कोलेस्ट्रोल तो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है केमिस्ट्री तो में ठीक है सिंगल है जो केला दैट इज कोलेस्ट्रोल द अदर इंक्लूड कॉर्टिसोल हो गया प्रोजेस्ट हो गया एस्ट्रोजन हो गया टेस्टिस्ट्रोन हो गया और बाइल एसिड हो गया दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द लोकेशन ऑफ तो इनमें जो सी डबल डबल वॉन्ट सी जो वो होता है कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड रहता है उनकी पोजिशन थोड़ी डिफरेंट रहती है तो इसीलिए वो डिफरेंट है विद इन द रिंग एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि बाकी सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो डिफरेंट है तो कोलेस्ट्रॉल हो गया इज अ पेरेंट स्टीरॉयड फ्रॉम विच द अदर आर सेंथसिस ये एक पेरेंट्स है सभी का पेरेंट है इससे ही बाकी जो स्टेरॉयड है बनते हैं कोलेस्ट्रॉल इस सिंथेसाइज ओनली बाय एनिमल स्पेशली इन लीवर सेल्स कोलेस्ट्रोल किस में होता है uh, कौन सिंथेसिस करते हैं हमारे एनिमल्स उनके जो लीवर रहता है लीवर के सेल्स में एंड इट्स नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल ऑयल एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट और ये वेजिटेबल ऑयल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स में नहीं पाया जाता वही इनजेस्ट कोलेस्ट्रोल इन एनिमल प्रोडक्ट सच एग मीट चीज एंड आर लिवर ऑल्सो प्रोड्यूज तो ह्यूमन में भी लिवर होता है लिवर के सेल्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल पैदा कर प्रोड्यूस करते हैं जैसे ठीक है और मील जो एनिमल रहता है उसके जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे मीट हो गया चीज़ हो गया एग हो गया तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का ओनली अबाउट फिफ्टीन परसेंट ऑफ वर्क कोलेस्ट्रॉल कम फ्रॉम डाइट हम पंद्रह परसेंट अपनी डाइट से लेते हैं कोलेस्ट्रॉल और एटी फाइव परसेंट हमारे खुद में हमारा बना देता है द एवरेज अडल्ट में कितना होता है ओवर टू हंड्रेड ग्राम कोलेस्ट्रोल होता है कोलेस्ट्रोल ऑल्सो हैव अ बैड रेपोटेशन एज द फैक्टर ऑफ कार्डोविस्कुलर डिसीज इसकी भी थोड़ी रेपोटेशन बेचारे की बिगड़ी हुई है ठीक है जैसे कि इसको कार्डियोवेस्कुलर डिसीज से जाना जाता है कि इसके इसके साथ हो जाती है जो हार्ट के रिलेटेड डिसीज रहती है वो सभी और हेरिडिटरी एंड डाइटरी फैक्टर्स कैन एलिवेट बदल जाते हैं हमारे डाइटरी फैक्टर ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू डेंजरस अगर हाई लेवल पर हो जाए तो बस डेंजरस हो जाता है फंक्शंस क्या है ऑल द स्टीरोड हॉर्मोन आर प्रेजेंट इन द बॉडी इन ओनली स्मॉल क्वान्टिटी दे आर वाइटल टू होम्योस्टाइसिस जो होम्योस्टाइसिस होती है ठीक है जो बॉडी के फ्लूड्स का बैलेंस रहता है उनको मेंटेन करने के लिए जो हमारा ये है स्टीरोयड हॉर्मोन्स वो चाहिए बट स्मॉल क्वांटिटी में जैसे बट जरूरी है कोलेस्ट्रॉल इज असेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ हमारी ह्यूमन की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है इन एडिशन टू बीग अ प्रिकर्सर ऑफ द अदर स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जैसे हमने उस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था पहले बनाई हुई है मैंने सेल पर वीडियो तो उसमें प्रेजेंट होता है रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉपर जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका प्रॉपर काम करने के लिए इसको चाहिए उसके बाद हमारे एक को सैनोइड आ जा जाते हैं साइनोइड्स आ जाते हैं जा 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 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद अदर लिपिड्स आएंगे उसके बाद इसके फंक्शन और ये टॉपिक ख़त्म एंड इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ये सारा जो हमारा है टॉपिक वो खत्म कर दूंगी एंड प्रोटीन्स पढ़ेंगे अच्छे से फिर तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड होप करती हूँ सभी को पसंद आया होगा वीडियो एंड कर दो लाइक फिर जल्दी से एंड मेरा भी कॉन्फिडेंस रेज हो कि यस आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो मिलते हैं नई वीडियो में टिल बाय बाय